हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन इस तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया। अब हम उनके कुछ रिलेशंस को देखते हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी का जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करने पर ड्राइव करने पर आता है डीवाईएम इज इक्वल टू 1/m प्लस एम ए अपॉन 1000। यहां पर ये कैपिटल एम मोलैरिटी को, स्मॉल एम मोलैरिटी को, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को इन ग्राम पर एमएल और एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस रिलेशन को याद कर लेते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस में आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और मोस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्वेश्चन यहां पर देखें, कैलकुलेट द मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी यहां पर दैट इज कैपिटल एम फाइंड करना है एंड सॉल्यूशन एथेनॉल का है वाटर में, दैट इज सॉल्वेंट यहां पर वाटर है और सॉल्यूट एथेनॉल है। यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का दैट इज सॉल्यूट का काई ए इज 0.04 गिवन है। जब आपको किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन गिवन हो एक कंपोनेंट का, तो दूसरे कंपोनेंट का आप 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज 0.96। इसके बाद में आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की उसने दी हुई है, एज्यूम कीजिए कि 1 ग्राम पर ml है, सो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। आपसे मोलैरिटी पूछा हुआ है, अगर आपको डेंसिटी के साथ में अगर मोलैरिटी भी गिविन होता तो आप लोग मोलैरिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हम मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में इस रिलेशन को स्टडी किया। मोलैरिटी इज इक्वल टू काई ए बाय काई बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन 2000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसे आप इसलिए याद रखें, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम बी इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको जैसा कि मालूम है यहां सॉल्वेंट वॉटर है और वॉटर का मोलर मास भी हमें मालूम है 18 ग्राम पर मोल होता है। अगर मैं वैल्यूज में पुट करता हूं तो 0.04 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.96 इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वॉटर इज 18। ऑन कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज वी विल गेट 1000/432। इसके आगे हमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड होने वाला नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट्स में ही जाएगा। हमें अभी आगे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हमें ऐसी कैलकुलेशंस फाइनल स्टेप तक करनी चाहिए जिससे कि हमारा एरर आंसर में मिनिमम हो। आपने पढ़ा हुआ है एरर्स में फिजिक्स में कि जितने स्टेप्स में एरर्स होते हैं फाइनल एरर जो होता है वो एडिटिव होता है और एरर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन कैलकुलेशंस को लास्ट स्टेप में करें। अगर हम यहां पर बात करते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी से, तो रिलेशन है हमारा डेंसिटी बाय एम मोलैरिटी एंड डेंसिटी इज 1, सो 1/m इज इक्वल टू 1/mol, 1/mol इज 1000/432 प्लस इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन केस ऑफ एथेनॉल इज 46 ग्राम पर मोल, सो 46/1000। Now you can write it as 432 plus 46 divided by 1000 and finally 478 divided by 1000. So molarity will be on inversing 1000/478 and it is almost 2.09 mol per liter। आपने ये मोस्ट एप्रोप्रिएट हम उसके आंसर के नजदीक पहुंचे हैं। आईआईटी जेईई में कई बार हम लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें आंसर हमें डेसिमल के 1.2.3 तक वो पूछता है इस तरह से, तो वहां पर हमारा आंसर उसके आंसर के एग्जैक्ट बराबर या उसके ऑलमोस्ट उसके नियरली होना चाहिए, एरर मिनिमम। सो आप कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी के बेसिस पर हम यहां भी क्वेश्चन देखें, यहां पे अगेन मोल फ्रैक्शन आप लोगों को यूरिया का दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन में, यहां सॉल्यूट यूरिया सॉल्वेंट वाटर अगेन एक्वस सॉल्यूशन है,
So in this question, mole fraction of solute is 0.05. Mole fraction of solvent is 1 minus 0.05, that is 0.95. Again, the density of solution is 1.2 gram per ml given. हमें डेंसिटी भी मालूम है और हमसे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है. कैलकुलेट मोलरिटी, द सेम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन. अगर हमें बात करें तो हम पहले मोल फ्रैक्शंस और डेंसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी. सो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.05 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.95. लुक हियर द फॉर्मूला, एंड इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट इज वॉटर अगेन, दैट इज 18. नाउ ऑन कैलकुलेटिंग वी विल गेट 1000 बाय 342. अगेन टू फाइंड द मोलरिटी, फ्रॉम मोलरिटी वी यूज दिस रिलेशन, डेंसिटी बाय मोलरिटी, एंड डेंसिटी इज 1.2. सो 1.2 डिवाइड बाय मोलरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलरिटी, 1 डिवाइड बाय, यहां पर मोलरिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1000 बाय 342 प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड हियर द सॉल्यूट इज यूरिया विच मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल. यहां पर यूरिया का मोलर मास 60 गिवन है, डिवाइड बाय 1000. वी कैन राइट इट एज 342 डिवाइड बाय 1000 प्लस 60 बाय 1000. यहां पर इन दोनों को मैड कर दें क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर सेम है. सो 1.2 m इज इक्वल टू 402 डिवाइड बाय 1000. अगर हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यू कैलकुलेट करें, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1200 और ये 402 m. सो m विल बी, यहां पर हमारा इक्वेशन बन जाएगा, m विल बी मोलरिटी इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 402, एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.4876 मोल पर लीटर. ये आपका एग्जैक्ट आंसर के काफी नजदीक होगा क्योंकि हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन की हुई है. ये क्वेश्चन जेईई 2019 एडवांस में पूछा गया है और आप देख सकते हैं कि टाइम भी बहुत कम लगना है और एरर्स भी मिनिमम आना है अगर आप लोग इन रिलेशंस को क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करते हैं तो. एंड नाउ गाइस, अगर हम किसी एक ही सब्सटेंस के अलग अलग सॉल्यूशंस को एक साथ मिक्स कर दें तो उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी. तो उस केस में सब्सटेंस एक ही है, अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूट सेम है, तो उस केस में हम सबसे पहले हमें सारे सॉल्यूशंस के जितने भी हमें गिवन हैं उनमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने चाहिए और उनका टोटल वॉल्यूम कितना है. ये टोटल वॉल्यूम के केस में हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई सॉलिड ऐड करते हैं तो वॉल्यूम को चेंज नहीं माना जाता है, लेकिन जब लिक्विड में लिक्विड ऐड किया जाता है तो फाइनल वॉल्यूम उनके वॉल्यूम्स के सम के बराबर होता है. सो गाइस, हमारा फाइनल जो मिक्सचर जो बनेगा उसकी मोलरिटी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ऑल सॉल्यूशंस, सब जितने सॉल्यूशंस उनके मोल्स को ऐड करें आप, फाइनल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर ये एमएल में है तो आप इनटू 1000 कर सकते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि जो जेई 2013 में क्वेश्चन आपका आ चुका है, पूछा जा चुका है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.05 m HCl. ये यहां सॉल्यूशन जो है वो HCl सॉल्यूट का है और इसे मिक्स किया गया है HCl के साथ, ही सब्सटेंस सेम होना चाहिए. उस केस में उसकी मोलरिटी 0.2 m है और उसका 250 ml. इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड किया और जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी क्या होगी. आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए कई सारे डेटा गिवन हो सकते हैं और उनके बेसिस पर आप लोगों को
वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर वॉल्यूम और मोलारिटी गिवन है। हम जानते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर डेटा में हमें मोलारिटी और वॉल्यूम गिवे है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पहले सोल्यूशन में हम कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट सोल्यूशन, पहले सोल्यूशन में मोल्स होंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी हमें गिवन है 0.05 और वॉल्यूम हमें गिवन है आपका 750 ml। तो 750 ml डिवाइड बाय 1000 तो हमें लीटर में लेना है। सो इट विल बी इक्वल टू, आप लोग जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, इट इज 0.375। अगर हम इसमें यहां पे आप कैलकुलेट करें तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स सेकंड सॉल्यूशन में कैलकुलेट करें, सेकंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट SCl है। अगेन यहां पर हमें डेटा में मोलारिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इज 2 एंड वॉल्यूम इज 250 ml डिवाइड बाय 1000, सो इन लीटर, एंड इट इज इक्वल टू 0.50। टोटल मोल्स हमारे पास जो हुए दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करने पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या सॉल्यूट के दैट इज HCl के 0.375 एंड 0.5, सो इट इज 0.875। नाउ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशंस जो लिक्विड से हैं, अब हम जब टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 750 ml प्लस 250 ml दैट इज 1000 ml, और इस 1000 ml को हम बोल सकते हैं 1 लीटर। सो मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन दैट इज मिक्सचर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.875 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर दैट इज 1, सो फाइनल मोलारिटी इज 0.875 मोल पर लीटर। लेकिन हम लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं तो कई बुक्स में हम लोग इस तरह के रिलेशंस और सिंबल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए वो m1b1 लिख देते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लीटर, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए वो इसको m2v2 लिख देते हैं। इसी तरह से फाइनल जो आपके मोल्स हुए तो फाइनल मोल्स क्या हुए, फाइनल मोल्स हुए m1b1 प्लस m2v2, और फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम हुआ आपका v1 पहले केस के लिए वॉल्यूम, सेकंड केस के लिए वॉल्यूम दैट इज v1 प्लस v2। तो इस तरह से मिक्सचर के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m1b1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अगर और भी सोल्यूशन हो तो m3b3 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। लेकिन ये फॉर्मूले जो है हमने ड्राइव किए हैं, इसमें एक प्रिकॉशन है, एक सावधानी है कि ये फॉर्मूले केवल तब तक हम यूज कर सकते हैं जब हमें सारे सॉल्यूशंस जो मिक्स कर रहे हैं उनकी मोलारिटी और वॉल्यूम ही गिवन हो। लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन जो ऐड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, उसमें हमें किसी और सॉल्यूशन में मोलारिटी नहीं गिवन हो, तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन यह फॉर्मूला जो है वो यूनिवर्सल है, आपको सारे मोल्स कैलकुलेट करने हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, चाहे फॉर्मूला आप ये लगाएं, चाहे फॉर्मूला मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास भी होता है नंबर ऑफ मोल्स, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले और रिलेशन है जिनका हम डेटा के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सो द यूनिवर्सल फॉर्मूला टू फाइंड द मोलरिटी ऑफ एनी मिक्सचर इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू डेटा एंड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल है यहां पर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 1 m NaOH। यहां पर हमें वॉल्यूम और मोलारिटी गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम मोलारिटी गिवन है, तो हम यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इस पहले सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं NaOH के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, एंड मोलारिटी इज 1 एंड वॉल्यूम इज 750 ml डिवाइड बाय 1000 इन लीटर लेना है हमें, तो 0.75 मोल्स ऑफ NaOH। सेकंड सॉल्यूशन में हमें वॉल्यूम तो गिवन है
बट मोलरिटी गिवन नहीं है, 250 ml ऑफ 8% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट NaOH सॉल्यूशन। यहां पर NaOH का सॉल्यूशन में वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलरिटी गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला N2V2 पुट नहीं कर सकते। पहले हमें यहां पर इस डेटा से ये चेक करना है कि आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, देन यस। मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगेन इन सेकेंड सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन है पहले केस में, सेकेंड सॉल्यूशन में मोलरिटी इज 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिवाइड बाय मोलर मास। ये रिलेशन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहां पर ये मोलरिटी हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, सो 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज 8 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम पर मोल, सो डिवाइड बाय 40 इट इज इक्वल टू 2, इट इज मोलरिटी। एंड इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इज 250 ml, सो 250 ml डिवाइड बाय 1000 दैट इज इन लीटर, नाउ इट इज इक्वल टू 0.50। अगर हम थर्ड केस में बात करें तो थर्ड केस में हमें NaOH का सॉलिड NaOH का मास दिया हुआ है। यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलरिटी इनटू वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वॉल्यूम है ना ही मोलरिटी है, बट वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहां पर इस थर्ड केस में नंबर ऑफ मोल्स होंगे NaOH के, वो होगा मास 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 40 इज 0.25 मोल्स। सो एंड फाइनल वॉल्यूम, अगर हम फाइनल वॉल्यूम की बात करें तो फाइनल वॉल्यूम आपका 750 ml पहले सॉल्यूशन का, 250 ml दूसरे सॉल्यूशन का, और सॉलिड को जब हम ऐड करते हैं तो उस केस में वॉल्यूम चेंज कंसीडर नहीं किया जाता है, वॉल्यूम अनचेंज्ड ही माना जाता है। तो ये यहां पर 1000 ml, और इस 1000 ml को लीटर में चेंज करें तो 1 liter, सो अल्टीमेटली द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.75 प्लस 0.50 प्लस 0.25 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर इज 1, सो मोलरिटी इज 1.50 मोल पर लीटर। एंड गाइस, कई बार हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो वहां पर कुछ जनरल टर्म्स होते हैं, कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होता है तो हम जनरली सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो आप हमें से याद रखें कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, इन प्रैक्टिकल हम अपने घरों में भी अगर हमें किसी भी शुगर सॉल्यूशन में अगर हमें कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है तो हम शुगर उसमें और ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर हमें किसी शरबत की मिठास को कम करना है, कंसंट्रेशन को कम करना है, तो हम उसमें और वाटर ऐड कर देते हैं। तो सेम ये कंसेप्ट है आपके सामने कि जनरली सॉल्यूट हम ऐड करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको और डाइल्यूट करते हैं। इसीलिए सॉल्वेंट के एडिशन को हम डाइल्यूशन भी बोलते हैं, और डाइल्यूशन के केस में हमने सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्यूट वही है, इसलिए सॉल्यूट का अमाउंट या उसके नंबर ऑफ मोल्स हमेशा डाइल्यूशन में क्या रहेंगे, अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमने सॉल्यूट के साथ में कोई डिस्टरबेंस नहीं किया है। इसीलिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डाइल्यूशन से पहले जितने होंगे उतने ही डाइल्यूशन के बाद भी होंगे। नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, एंड नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन दैट इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। दोनों तरफ ये आप नंबर ऑफ मोल्स हैं, डाइल्यूशन से पहले डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूट के, और ये बराबर रहेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ C2H5OH इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ C2H5OH, इसका वॉल्यूम C2H5OH का नीडेड टू फॉर्म 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 ml एक्वस सॉल्यूशन। हमें
इस डेंसिटी की एथेनॉल का कितना वॉल्यूम हमें चाहिए कि हम उससे 0.25 मोलरिटी का एक सॉल्यूशन 2.5 लीटर बना सकें। तो यहां पर जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हमें साफ साफ दिख रहे हैं, पर इनिशियल की अगर हम बात करें तो यहां पर m1v1 = m2v2, लेकिन जो इनिशियल नंबर ऑफ जो मोल्स है या मोलरिटी है वो हमें नहीं मालूम है। तो यहां पर आप देखें कि डेंसिटी हमें जो दी हुई है वो प्योर C2H5OH की दी हुई है, प्योर लिक्विड की दी हुई है, और उसी का वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। यहां पर C2H5OH जब प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड की मोलरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्योर लिक्विड की मोलरिटी होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। हम प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम V1 हमसे पूछा गया है कि आखिर कितना वॉल्यूम हमें इसका यूज करना है। फाइनल मोलरिटी हमें 0.25 m गिवन है और फाइनल वॉल्यूम हमें लीटर में 2.5 लीटर गिवन है। सो अल्टीमेटली गाइस अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो डेंसिटी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर हमें चाहिए ग्राम पर लीटर में, तो हम इसमें 2000 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। सो इट बिकम्स 793 ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलर मास, हमें इस एथेनॉल का मालूम है 46 ग्राम पर मोल। सो इट इज 46 ग्राम पर मोल। एज यू नो मोल पर लीटर इट बिकम्स मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज आस्क्ड एंड इट इज 0.625। सो V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ C2H5OH नीडेड इज इक्वल टू 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 46 डिवाइड बाय 793 एंड इट इज ऑलमोस्ट 0.02522 लीटर, बिकॉज वॉल्यूम इज इन लीटर, हियर V2 इज 2.5 लीटर, और यू कैन से 25.22 ml, दैट इज 25.22 ml ऑफ C2H5OH ऑफ दिस डेंसिटी कैन बी चेंज इनटू 2.5 लीटर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन बाय एडिंग वॉटर एंड हैविंग मोलरिटी 0.25। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 mNaOH इज ऑब्टेंड फ्रॉम 100 ml ऑफ NaOH बाय फर्स्ट ऑप्शन एवोपोरेशन ऑफ 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड इज एडिंग 100 ml ऑफ वॉटर, एडिंग ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH एंड एडिंग ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट डायरेक्ट m1v1 = m2v2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन शुरू कर देता है और वहां पर वो टाइम वेस्ट कर जाता है। अगर हमें एक कंसेप्ट पता हो कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे यहां पर हमें हायर कंसेंट्रेशन, एक लोअर कंसेंट्रेशन से हमें हायर कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए, कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना है, और जनरली कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, अगर ये बच्चे को पहले से पता है स्टूडेंट को, तो वो वहां पर कम से कम इन दो ऑप्शन पे फिर ध्यान नहीं देगा। इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना है, हमें सॉल्यूट को ऐड करना है। सॉल्वेंट के दोनों ही केसेस में, चाहे हम उसको इवेपोरेट कर रहे हो सॉल्यूशन को, चाहे हम सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट इसको ऐड कर रहे हो, दोनों ही ऑप्शन यहां पर नहीं होंगे। नाउ वी हैव ओनली टू ऑप्शंस। सो हमें यहां पर केवल नंबर ऑफ मोल्स पहले कितने हैं बाद में कितने हैं हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बात करूं, पहले जो सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली मोलरिटी 0.1 इनटू वॉल्यूम इन लीटर 0.1, 100 ml को हम 0.1 लीटर बोल सकते हैं, दैट इज 0.01 मोल। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए फाइनली, अगर उसमें मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ऑब्जर्व करूं तो मोलरिटी 0.21, वॉल्यूम सेम है, सिर्फ मुझे मोलरिटी को इंक्रीज करना है, तो नाउ 0.02 मोल। सो NaOH इन फर्स्ट सॉल्यूशन हैविंग मोल 0.01 एंड इन सेकेंड 0.02 मोल, दैट इज हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट
तो NaOH needed, जो हमें NaOH चाहिए ऐड करने के लिए वो होगा 0.02 मोल माइनस 0.01 मोल, दैट इज 0.01 मोल. बट ऑप्शंस आर गिवन इन फॉर्म ऑफ ग्राम, सो वी नो दैट मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.01 इंटू मोलर मास, एंड मोलर मास ऑफ NaOH इज 40. NaOH का मोलर मास हम लोग जानते हैं, इट इज 40, सो इट इज इक्वल टू 0.4 ग्राम. सो द ऑप्शन विल बी थर्ड. अगर हम 0.4 ग्राम NaOH एड कर दें तो 0.1 m का सॉल्यूशन 0.2 m के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा. इस तरह से हमें कुछ जनरल चीजें दिमाग में सेट रखनी है. अगर मैं यहां पर ऐसा नहीं करता तो मैं एक टाइम एक्स्ट्रा यहां पे वेस्ट कर सकता था कि मैं यहां पर भी यहां पर m1 b1 और m2 b2 कैलकुलेट करता तो यहां पर भी सेम ऑप्शन बनता कि इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स आप चेक कर सकते हैं. कि अगर हम यहां पर बात करें तो इसकी मोलैरिटी आपका 0.02 m, देखिए आप 0.2 m मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 50 ml, सो इन लीटर डिवाइड बाई 1000, इट इज इक्वल टू 0.01 मोल. यहां पर आप देखेंगे इसके जो फाइनल मोल्स है हमारे इनिशियल 100 ml और 0.1 m में, वही मोल हमारे 50 ml सॉल्यूशन में होंगे. लेकिन मैं इस ऑप्शन को क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आप कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना, और इंक्रीज करने के लिए हम इवोपोरेशन नहीं करते, हम हमेशा सॉल्यूट को एड करते हैं. इज दैट क्लियर? एंड अदरवाइज मास वॉल्यूम यूनिट्स की नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अगर हम इस चीज को आप ऑब्जर्व करें तो एक्चुअल में जैसे एक मॉलिक्यूल हमारे सामने Na2SO4.10H2O, इस मॉलिक्यूल के इस सब्सटेंस के इस पूरे इस कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको फॉर्मूला कहेंगे हम, इसे एक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर Na2SO4 के साथ साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं. तो ये सब्सटेंस का फॉर्मूला है, इसीलिए इसके एक मोल ऐसे फॉर्मूलों का जो मास होगा वो इनके एटम्स के मास को आप एड कर दीजिए तो वो 322 ग्राम पर मोल होगा. यहां पर इसी तरह से अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात करता हूं जो कि सॉलिड स्टेट में है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी एडेड है तो हम इसे क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, और इस पूरे इस क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड को हम इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, इसको हम फॉर्मूला बोलेंगे. और इस फॉर्मूले का ये जो मास है इसको हम मॉलिकुलर मास बोलने के बजाय हम इसको फॉर्मूला मास कहेंगे. लेकिन अगर एक मोल का है तो हम इसे ग्राम फॉर्मूला मास कहेंगे, जैसे मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिकुलर मास, ऐसे यहां पर हम इसको इनको बोले ग्राम फॉर्मूला मास. तो मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं या एनी कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम मॉलिकुलर मास टर्म की जगह पर फॉर्मूला मास टर्म यूज करते हैं. लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो ये एक मोल का मास है, मोलर मास ही है, इसीलिए हम जनरली फॉर्मेलिटी की जगह पर मोलरिटी टर्म ही यूज करते हैं. और ग्राम फॉर्मूला मास का जो नंबर है उसकी जगह पर हम नंबर ऑफ मोल्स टर्म यूज करते हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास इज मास इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास. तो इससे आप क्लियर हो रहा है कि ग्राम फॉर्मूला मास का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल्स है इन फॉर्मूलों का. बस एक बेटर टर्म जो हमारा होता है एक आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए, वो फॉर्मूला मास होना चाहिए ना कि मॉलिक्यूलर मास. लेकिन जनरली हम फॉर्मूला मास की जगह पर मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मेलिटी की जगह पर मोलरिटी, और नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स टर्म्स यूज कर सकते हैं और जनरली किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. ये JEE का क्वेश्चन है जो आपका आपसे पूछा जा चुका है एडवांस में. एक्वस सॉल्यूशन हमसे पूछा गया था मोलरिटी डिजॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड. अब जो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है, नॉट ऑक्सैलिक एसिड, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, ये होता है H2C2O4.2H2O. तो उस केस में हम इसकी फॉर्मूला मास हमें मालूम चलेगा, फॉर्मूला मास जो है उसका डिवाइड करेंगे हम मास में तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास पता चलेगा. लेकिन हम उनको नंबर ऑफ मोल्स से ट्रीट कर सकते हैं,
हम उसकी फॉर्मेलिटी को मोलरिटी कह सकते हैं। तो जब हम मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्चुअल में उसकी फॉर्मेलिटी ही कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मोलरिटी इज इक्वल टू दैट इज फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, एंड नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास इज मास अपॉन फॉर्मूला मास, एंड व्हाट इज मास 1.26 ग्राम इन ग्राम डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। इसका मास जो होता है ऑक्सीजन कैसे का 1.26 ग्राम पर मोल। सो 1.26 इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सीजन एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल। अगर वॉल्यूम एमएल हम लेते हैं तो हम करते हैं 2000, तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, एंड इफ इट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एमएल देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो मल्टीप्लाइड बाय 1000 now it is 2 times, it is 0.01, so it is 0.02 m or formality, is that clear? इसी तरह से हम और भी इसके आगे यूनिट्स हैं, जैसे नॉर्मेलिटी इस मास वॉल्यूम यूनिट्स में, इसके आगे वॉल्यूम वॉल्यूम यूनिट्स और कुछ मिसलेनियस और फर्दर क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हम कुछ लेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।